press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. कार्तिक आर्यन और सारा अली खान स्टारर फिल्म लव आजकल इम्तियाज अली के करियर की महत्वपूर्ण फिल्म मानी जा रही थी। दरअसल इससे पहले इनकी शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा के साथ फिल्म जब हैरी मेट सेजल फ्लॉप साबित हुई थी। इसके कुछ साल पहले रिलीज फिल्म तमाशा को हालांकि क्रिटिक्स ने सराहा था, लेकिन रणवीर और दीपिका पादुकोण स्टारर ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी थी। ऐसे में इम्तियाज के फैंस और इम्तियाज खुद लव आजकल के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि उनकी ये उम्मीद खत्म होती साबित हो रही है। जानते हैं लव आजकल के फ्लॉप होने के कई कारण के बारे में। इम्तियाज अली यूं तो एक काबिल डायरेक्टर माने जाते हैं और वे अपने एक्टर्स से परफॉर्मेंस निकलवाने में कामयाब रहते हैं, लेकिन वे इस फिल्म में लीड कास्ट के साथ ऐसा करने में नाकामयाब रहे। ऐसा नहीं है कि कार्तिक और सारा कोशिश करते हुए नहीं दिखते, लेकिन उनकी केमिस्ट्री में वो एक्स फैक्टर नहीं दिखता है। हालांकि रणदीप हुड्डा अपनी परफॉर्मेंस से कहीं ना कहीं फिल्म को बचा लेते हैं। इस फिल्म का म्यूजिक प्रीतम ने दिया है और गाने इरशाद कामिल ने लिखे हैं। अरिजीत सिंह की आवाज में शायद और हाँ मैं गलत चर्चित रहे हैं, लेकिन फिल्म की कहानी में जान नहीं डालते हैं। यूं कह लें कि फिल्म देखने के बाद कोई भी गाना आपके दिल दिमाग में ठहरता नहीं है। ऐसे में देखना ये होगा कि पिछले कुछ समय से असफलता झेल रहे इम्तियाज अगली बार अपने फैंस के लिए क्या पेश करेंगे।